Hello children, today we will be doing the questions of non-verbal reasoning and the first amongst all this is spotting the odd one. So on the screen you can see there is a question, in this type of the question each question has got four or five diagrams and all this have something in common while one is different from the rest.

चौथे में सेंटर से बाहर की तरफ एरो है और पांचवे में वापस आप देख रहे हो कि सेंटर की तरफ हो रहा है इसका मतलब इन सब में ऑड वाला कौन सा है व्हिच इज द ऑड वन आउट द ऑड वन आउट इज द डी सो डी विल बी द करेक्ट आंसर राइट इन द सेकंड टाइप आपको सीरीज के क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें फिगर्स में कुछ सीरीज बन रहे होते हैं आपको सीरीज को समझना होगा एंड हैव टू गिव देखिएगा में आपको तीन दिख रहा है ना और तीनों किस प्रकार से हैं तीनों आपके ऊपर को इंडिकेट कर रहे हैं पहला फिगर में दूसरे में हॉरिजॉन्टल हो गए ये जो तीन लाइन थे वो अब हॉरिजॉन्टल हो गए यानी लेट गए ठीक है फिर से उल्टा खड़े हो गए यानी चौथा फिगर में क्या आना चाहिए आपको ये जो तीन आरो है, वो आपको आपके लेफ्ट हैंड की तरफ लेटे हुए मिलना चाहिए यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया सी वेरी गुड आपने तो मेरे से भी पहले बता दिया चलिए अब हम प्रॉब्लम फिगर्स आते हैं और यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन में चार फिगर और दिए रहेंगे चार या पांच जो भी होगा होगा और उसमें आपको आपको नेक्स्ट वाला फिगर क्या ये पता करना पर फिगर, जो फिगर दिया है, उनमें से एक को सिलेक्ट करनी है और आंसर फिगर बताना है पैटर्न केयरफुलिगर क्या दिखा हाँ ये जो एरो है ना आपके पास जो बना हुआ है अ सर्कल सर्कल के अंदर एरो एरो कहा जा रहा है पहली वाले में तो ऊपर गया है ना और सर्कल जो बना हुआ है एक छोटी सी एक छोटी और सर्कल ब्लैक वाले के अंदर जो बनी हुई है वो आपको एरो मार्क की राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है अब नेक्स्ट फिगर में देखिएगा सीरीज बन रही है तो आपका जो वर्टिकल खड़ा हुआ एरो मार्क था अब हॉरिजॉन्टल हो गया आपको वो एकदम इस प्रकार से मतलब लेटा हुआ दिख रहा है लेकिन आपका ये जो सर्कल है ना तो अगर आपने इसको पूरे फिगर को ऐसे टर्न किया होता तो नीचे छोटा वाला जो सर्कल कहाँ होता देखो हाँ ये जो होता वो नीचे हो जाता तो नीचे के बदले अब तो ये ऊपर आ गया फिर से थर्ड फिगर में वो वर्टिकल हो गई अब वर्टिकल हो गई तो अब इसका जो सर्कल होना चाहिए था ऐसे पूरा घुमाएंगे तो सर्कल को यहां होना चाहिए था देखिए मेरी पॉइंटर दिख रही है, है ना? अब लो, फिर क्या था? यहां था, लेकिन हमने इसको यहां रख दिया यानी आप सर्कल को लाइन के इस तरफ और इस तरफ अल्टरनेटिवली करते जा रहे चौथा फिगर क्या होना चाहिए इस एरो को ऐसे घूम जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि ये एरो का जो हेड है वो इस तरफ आएगा और ये लेटा हुआ फिर से लेकिन हाँ ये सर्कल कहां जाएगा आपका नीचे होना चाहिए तो इससे मिलता जुलता फिगर कौन सा है यानी ये बी में दिख रहा है मुझे जो लाइन ऐसी गई गई और सर्कल छोटी वाली नीचे आ गई। तो आंसर मेरा क्या हो गया बी सो वॉट इज द करेक्ट आंसर द बी इज द करेक्ट आंसर राइट पहला फिगर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा भी एक ट्रायंगल दिख रहा है और पहला ट्रायंगल आपको समथिंग इक्विलैटरल टाइप का दिख रहा है और दूसरा राइट एंगल देखिए अगर पहले ट्रायंगल को अगर मैंने बीच से से काट दिया तो दूसरा ट्रायंगल बन जाता है तो इसका मतलब है यही रिलेशन मुझे दूसरे फिगर और उसके आंसर के बीच में भी होगा इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इसको भी आधा बीच में से काट देना चाहिए तो विच द करेक्ट आंसर होगा है ना ओके okay. अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखिएगा आपने देखा कि पहले वाले फिगर में आपको दोनों तरफ एरोज़ दिख रही हैं और दूसरे में आपको सिर्फ एक ही तरफ एरो मिल रहा है, ना? अच्छा अब दूसरे फिगर में क्या हुआ जो दोनों साइड वाला जो एरो मार्क वाला लाइन है वो 90 डिग्री से मुड़ गया एंड द सेकेंड फिगर इट इज टर्न बाय 180 एटी डिग्रीज यानी ऐसा सीधा खड़ा था अब वो उल्टा हो गया है ना से शाशन पे खड़ा हो गया सीधा खड़ा था अब से शाशन पे खड़ा हो गया अब सेकेंड फिगर में आपको क्वेश्चन फिगर पे क्या दिया हुआ है आपको ये जो सिंगल एरो मार्क वाला हॉरिजॉन्टली है।, है ना अब इसको हमें 180 डिग्री से टर्न करना होगा यानी इसकी जो एरो वाली जो पार्ट है वो इधर होनी चाहिए है ना और इसने कहा टर्न करनी है 90 डिग्री से टर्न करना है। 90 डिग्री यानी देखिए इसको सीधा खड़ा कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा और अगर मैंने ऐसे इसको टेढ़ा खड़ा कर दिया तो ये भी 90 डिग्री से मुड़ जाएगा तो मुझे ये लाइन चाहिए विद एन ऐडो मार्क और इसको जो ऐसा है वो ऐसा होना चाहिए यानी कि 90 डिग्री से टर्न होगी तो चलो ढूंढते हैं आंसर फिगर में ये हो सकता है ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा और ये हो सकता है तो हमें क्या देखना है देखिए इसको कैसे टर्न करना है 180 डिग्री तो ये दोनों में से कोई ए और ये वाली लाइन आपको पता है कि इससे 90 डिग्री से टर्न तो आपको डी विल बी द करेक्ट आंसर ये मिल रहा है है ना बच्चों तो दिस इज द वे वेव यू डू द क्वेश्चंस ऑन एनोलॉजी